साई राम। मुझे थोड़ा नींद आ रहा था, मैं फुल जाग गया अभी। आप लोग ने इतने जोर से साई राम कहा, एक और बार कहोगे साई राम? बस बस बस। जब स्वामी ऐसे सब कर रहे थे ना, सब लोग खुश थे। स्वामी के फ्रेंड्स को सब खुशी हो गई थी ना, क्योंकि सब चॉकलेट मिल रहा है, फल मिल रहा है, जो चाहिए मिल रहा है, पेंसिल, पेन, रबर, किताब, जो भी स्वामी से मांगते हैं ना, स्वामी अपने बैग से निकाल के ऐसे दे देते, तो सब खुश थे। लेकिन थोड़े लोगों को ना जलन होने लगा। जलन होने लगा मतलब उनको अच्छा, हाँ, यस, जेलस, वेरी गुड। उनको मतलब जेलस वेरी गुड नहीं है, आपने जो बोला वो करेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने वेरी गुड बताया। जेलसी होना बहुत बुरी बात है। तो वो लोग ने सोचा, ये आके सब लोगों को अपने तरफ ले रहा है, इसको हमें हटा देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया जानता है? बाप रे बाप। स्वामी ना एक छोटा सा कुटिया में रहते थे, हट में, ठीक है। वो नारियल के झाड़ के पत्तों से बना हुआ था। तो एक रात को तीन आदमी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम जब स्वामी सो रहे हैं ना, हम इस कुटिया को आग लगा देंगे और अंदर स्वामी जल जाएंगे। इनका ये प्लान था। तो रात के समय सब लोग सो गए थे। उस समय में जैसा हमारा बल्ब और ट्यूबलाइट होता है ना, वो सब नहीं था, वो सब कुछ नहीं था। तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। बस एक चांद थी, चांद से थोड़ा जो चांदनी रात, चांद से जो प्रकाश आता है बस उतना ही। तो जब स्वामी सो रहे थे, स्वामी छोटे से लड़के थे, स्वामी सो रहे थे, तब तीन लोग आए और उन्होंने कुटिया को आग लगा दिया। और किसी को पता भी नहीं चला कि आग लगा दिया है इन्होंने। वो जलने लगा, जलने लगा और बढ़ते गया। आग जब ज्यादा हो गया ना, तब वो गर्मी के कारण और वो प्रकाश के कारण गांव में बाकी लोग थे, वो लोग उठ गए और वो लोग भाग के आए और वो लोग देख रहे, अरे बाप रे क्या हो रहा है, स्वामी को जला रहे हैं, स्वामी को जला रहे हैं करके। उस समय ना, अरे स्वामी भगवान है, स्वामी को क्या हो सकता है। क्या हो गया? एक क्लाउड, क्लाउड जानते हैं, क्लाउड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बादल। थैंक यू, मैं भूल गया था, आपने याद दिलाया, धन्यवाद। एक बादल आया, सिर्फ एक बादल, पूरा वर्षा नहीं आया, पूरा बारिश नहीं आया, एक बादल आया वो कुटिया के ऊपर और सिर्फ उस कुटिया के ऊपर बरसा रहा है पानी। सोचो, फायर इंजन नहीं आया, बादल आया, बादल आके पूरा उस कुटिया पे बारिश बरसा दिया और आग मिटा दिया और स्वामी को कुछ भी नहीं हुआ। और लोग देख रहे थे ऐसे, और स्वामी कुटिया के बाहर निकले, कुछ हुआ नहीं था। और सभी लोग खुश होके जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की, अरे वैसा उन्होंने चिल्लाया, खुश हो गए थे वे सब, ठीक है। इसके बाद ये जो बुरे लोग थे ना, जिनको जलन होता था, जो जेलस थे, उनको लगा कि अरे ये तो फ्लॉप हो गया, कुछ और करना चाहिए। तो अभी इन्होंने क्या किया, क्या सोचा, एक औरत ने क्या किया, जाके स्वामी को कहा कि स्वामी आप हमारे घर आइए और खाना खाइए, ठीक है। तो जब स्वामी उनके घर गए ना, ये स्वामी के लिए वड़ा बना रही थी। आप वड़ा खाते हो? ब्रेकफास्ट में मिलता है या लंच में या डिनर में? यहां नहीं मिलता है वड़ा, यहां इडली मिलता है। हाँ, आज सुबह क्या खाया आपने? मसाला पाव ना, मैं भी वही खाया, मस्त था ना वो, कैप्सिकम के साथ, मिर्ची के साथ, ऐसा बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा था ना, अच्छा लगता कि नहीं? यस, मसाला पाव। तो ये गुजरात है ना, तो मसाला पाव बनता है, जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में है, आंध्रा में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में, वहां ज्यादातर वड़ा बनता है, ठीक है। हर एक जगह का अपना खाना होता है ना, तो वहां वड़ा बनता था और स्वामी को वड़ा बहुत पसंद था। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि स्वामी मैं तुम्हारे लिए वड़ा बना रही हूं। लेकिन उसने वड़ा में क्या डाल दिया? हाँ, अरे कैसे जानते, ये जानते क्या आप कहानी?
ये लोग नहीं बोल रहे, ये लोग हाँ बोल रहे, तुम कैसे जानते हो? अरे वाह हाँ ठीक है, तो उसने जहर डाल दिया। अगर जानते हो भी फिर से सुनो, पिक्चर को दूसरी बार देखते हैं ना वैसा ही, ठीक है? तो उसने जहर डाल दिया। अब स्वामी गए, वड़ा खाने लगे, एक वड़ा, दो वड़ा, तीन वड़ा, बाप रे वड़ा के ऊपर वड़ा जा रहा है, क्योंकि स्वामी को पसंद है वड़ा। और वो औरत खुश हो जा रही है, करके हंसते है ना वैसा, वो हंस रही है अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर तो वो भक्ति दिखा रही है मुंह में। तब एक और सुब्बम्मा करके थी, सुब्बम्मा ना जैसे भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की माँ कौन है? यशोदा या देवकी? हाँ देवकी माँ है, देवकी ने जन्म दिया लेकिन कृष्ण को रखा गया गोकुल में, और गोकुल में उसका देखभाल किया यशोदा, इसलिए यशोदा को भी मैया कहते हैं। लेकिन देखिए किसी ने देवकी पहले नहीं बताया, सबने यशोदा बताया। उसी तरह स्वामी को जन्म देने वाली माता ईश्वरम्मा थी, लेकिन स्वामी का देखभाल कौन करती थी? सुब्बम्मा। इसलिए सुब्बम्मा को स्वामी की यशोदा भी माना जाता है, समझ गए ना? तो सुब्बम्मा को पता चला, अरे स्वामी को जहरीला वड़ा खिला रहे हैं, तो भाग के गई, अपनी साड़ी उठा के भागी, जितना जोर से भाग सकती है भाग के गई, स्वामी स्वामी मत खाओ वड़ा मत खाओ। फिर जाके स्वामी का हाथ पकड़ लिया, उसने कहा स्वामी आपने वड़ा तो नहीं खाया? स्वामी ने कहा मैंने सिर्फ 8 वड़ा खाया। बाप रे, नहीं स्वामी इसमें जहर मिला है, ये औरत इतनी बुरी औरत है। उसको बहुत गुस्सा आ गया। फिर स्वामी बोलते हैं गुस्सा मत करो सुब्बम्मा, गुस्सा मत करो, वो प्रेम से वड़ा खिला रही है, ये प्रेम से नहीं है, ये जहरीला वड़ा है, ये औरत को मैं नहीं छोड़ूंगी, कर देना। हाँ आप हंस रहे हैं, उसको इतना गुस्सा आ रहा है। तो जैसे वो ऐसे उसको गुस्सा आ गया ना, स्वामी ने कहा सुब्बम्मा कुछ भी नहीं होगा, वड़ा में जहर था क्या? तो मुझे नहीं खाना चाहिए? नहीं स्वामी आपको नहीं खाना चाहिए था, आपने 8 खा लिया, अभी क्या करे, डॉक्टर के पास चले? स्वामी ने कहा नहीं नहीं एक काम करते हैं, वो वड़ा निकाल देते हैं। कैसे? फिर स्वामी एक वड़ा, दूसरा वड़ा, हम लोग भी उल्टी करते हैं, लेकिन जब हम उल्टी करते हैं तो कैसे करते हैं, करके पूरा गंदा गंदा निकलता है ना। हाँ लेकिन स्वामी जब ऐसे कर रहे हैं ना, पूरा वड़ा वैसा आ रहा है, मतलब खाए है वड़ा, लेकिन निकालते समय पूरा वड़ा जैसा बना था ना वैसा फ्रेश वड़ा निकाल रहा है। 4, 5, 6, 7 हो गया ना, क्या हो गया? एक और, हाँ करेक्ट, एक और वड़ा है। सुब्बम्मा ने कहा स्वामी एक और वड़ा, 8। और स्वामी को कुछ नहीं हुआ, तब सुब्बम्मा भी खुश, और वो बोली जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की। ऐसा हो गया था। और इसके बाद ना गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे स्वामी के पास कि स्वामी भगवान है, हम लोग स्वामी को मानते हैं करके, सभी लोग मानने लगे थे। एक बार क्या हुआ, स्वामी अपने दोस्तों के साथ चल के जा रहे थे, पुट्टपर्ती में एक हनुमान का मंदिर है, ठीक है? तो स्वामी के दोस्त जो है ना, सभी लोग हनुमान मंदिर जाते थे, वहां नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे हनुमान जी को, जैसे हम सब करते हैं ना। लेकिन वे देखते थे कि कभी भी स्वामी आते नहीं है नमस्कार करने को। तो एक दिन उन्होंने कहा सत्यम राजू आओ ना, तुम भी आओ ना, हनुमान जी को नमस्कार करो, भगवान है। स्वामी ने कहा नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। आप जानते हैं ये कहानी? नहीं ना। हाँ तो सभी दोस्त बोले क्यों नहीं करेगा सत्यम, क्यों नमस्कार नहीं करता है तू भगवान को? करना चाहिए, तू ही हमें सिखाता है कि भजन करो, नाम स्मरण करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन तू खुद नहीं कर रहा है, क्यों? तब स्वामी ने कहा कि नहीं देखो, हनुमान नहीं चाहता है कि मैं करूं, क्योंकि हनुमान बोलता है कि तुम भगवान राम हो, तुम मेरी नमस्कार मत करो, मैं नमस्कार करता हूं। तब स्वामी के सभी दोस्त जो थे उन्होंने सोचा कि स्वामी ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी कहानी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ नहीं है, क्या हनुमान बोलता है, कुछ नहीं, आ जाओ नमस्कार करो।
स्वामी ने कहा ठीक है मैं करता हूं। तो हम लोग नमस्कार करने के बाद प्रदक्षिणा करते हैं ना, कितने बार करते हैं प्रदक्षिणा? करेक्ट, कितने, किसी ने कहा कितने? हाँ, तीन, तीन बार। तो स्वामी के सभी दोस्त ने कहा कि चलो प्रदक्षिणा करते हैं, और जैसे ही प्रदक्षिणा करने निकले ना, डर गए ना, स्वामी के दोस्त भी डर गए। बड़ा सा एक बंदर आया मंदिर के अंदर, हाँ, बड़ा सा बंदर आया मंदिर के अंदर, हाँ, कर दो, स्वामी के सभी दोस्त डर गए, भाग गए उधर। वो आके बंदर, इतना बड़ा था बंदर, हाँ, आपसे भी बड़ा, सोचो, उतना बड़ा बंदर आया और स्वामी का पैर पकड़ लिया। अब स्वामी हंसने लगे और बोले, अरे भागो मत, ये बंदर नहीं है, ये कौन है? हनुमान है, हाँ, इसलिए इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है। और वो बोल रहा है कि स्वामी तुम प्रदक्षिणा मत करो, क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे भगवान श्री राम हो। तभी स्वामी के सभी दोस्तों को पता चला कि अरे ये स्वामी है, ये सिर्फ साई नहीं, साई राम है। इसलिए वे लोग भी स्वामी का नमस्कार किए और उन्होंने कहा, प्रभु श्री रामचंद्र की जय करके। हाँ, एक और बार क्या हुआ, ये तो हनुमान मंदिर की कहानी है। एक और बार स्वामी गए थे हम्पी। हम्पी एक जगह है कर्नाटका में, कि कोई गया है क्या हम्पी? यहां पर यू गॉन टू हम्पी? क्या है हम्पी में बताओ, क्या है? हाँ, पता नहीं है, नहीं गया है ना। हम्पी में ना विजयनगर राज्य का पूरा जो महल थे, मंदिर थे, सब वहां पर थे। बहुत सुंदर जगह है, और ऐसा माना जाता है कि रामायण समय का किष्किंध था हम्पी। किष्किंध में कौन रहते थे जानते हैं? रामायण में किष्किंध में कौन रहते थे? महाराज दशरथ? नहीं, महाराज दशरथ अयोध्या में रहते थे। किष्किंध में महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव कौन है जानते? हाँ, वाली का भाई, वानरों का राजा, बंदरों का राजा। और वहीं पर हनुमान भी थे। तो एक बार स्वामी अपने परिवार के साथ, सभी लोग, मतलब स्वामी के बड़े भैया, उनके माता पिता, सभी लोग गए थे हम्पी। ठीक है, हम्पी में एक भगवान शिव का मंदिर है, बड़ा सा, विरूपाक्षा मंदिर, विरूपाक्षा। विरूपाक्षा एक और शिव का रूप है। ठीक है, वहां पर विरूपाक्षा मंदिर है हम्पी में, और बड़ा सा मंदिर है, मैं भी गया था, बहुत बड़ा है, गोपुरम बड़ा है, अंदर जाके अंदर में, मतलब एक सुंदर सा शिवलिंग भी है। भगवान का दर्शन करने सब लोग गए थे। तभी क्या हुआ, मैंने कहा ना, उस जमाने में ये होटल, ये रूम, ये सब नहीं होता था, तो सभी का बैग था ना, और ये बैग सब लेके मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, तो बाहर रखना पड़ेगा बैग। लेकिन अगर बाहर रख दिया तो अगर कोई उठा के ले गया तो चोरी हो जाएगा ना। तो इसलिए स्वामी के भैया ने क्या कहा स्वामी से, कि ए सत्यम, तुम यहां खड़े रहो, सब बैग का देखभाल करो, हम लोग अंदर जाके दर्शन करते आते। तो उसने कहा, मुझे भी दर्शन करना है। अरे तुम बाद में कर लेना, तुम खड़े हो जाओ यहां। बाहर खड़ा कर दिया और स्वामी को कहा, तुम क्या बैग सबको संभालो, और बाकी सब लोग गए मंदिर के अंदर दर्शन करने। ठीक है, अब वो गए पूरा मंदिर के अंदर, वहां आप तो गए होंगे ना मंदिर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके पूरा आरती करते हैं, प्रसाद देते हैं, तीर्थ देते हैं, ये सब करते हैं ना। तो पंडित जी वहां आरती करने गए, और जब आरती कर रहे हैं ना, क्या दिख रहा है उनको, उधर शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग के बदले वहां स्वामी खड़े हैं, और आरती स्वामी का उतारा जा रहा है। अरे समझ रहे ना क्या हो रहा है, स्वामी कहां खड़े थे? बाहर खड़े हैं स्वामी, और यहां अंदर भगवान के मूर्ति के बदले स्वामी दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी के भैया जो है वो सोच रहे थे, अरे ये क्या हो गया, अरे सत्या तो बाहर था, वो ना बहुत बहुत नटकट है, वो अंदर आ गया है, पीछे से लगता है मुझे छुप के अंदर आ गया, मैं उसको पकड़ के, कान पकड़ के एक दो दूंगा उसको।
गुस्सा आ गया भैया को, तो भैया बाहर निकले मंदिर के और सीधा अपना धोती पकड़ के चल के गए, तेजी से चल के गए। उधर देखा तो स्वामी खड़े हैं। अरे हैं? ये कौन है? सत्यम? हाँ भैया। तू यहां खड़ा है? हाँ भैया। अरे तू मंदिर के अंदर नहीं आया? भैया आपने कहा मत आओ, मैं यहां ही खड़ा हूं। तो फिर वो कौन है? कौन है? अरे रुको। फिर भैया फिर से धोती पकड़े और मुड़ के चल के गए तेजी से मंदिर के अंदर। ऐसा देख रहे उधर भी खड़ा है, हैं? ये इधर भी कैसे कर? फिर से धोती पकड़ के मार गए, उधर खड़ा है सत्यम बैग के साथ। सत्य तू कहां है? तू यहां है या वहां है? तो स्वामी बोलते हैं, भैया मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं सब जगह हूं। स्वामी सब जगह है, क्योंकि स्वामी अंतर्यामी है, स्वामी भगवान है, स्वामी यहां पर बैठे हुए हैं। आप माने या ना माने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहां हवा है क्या? हवा है यहां पे? हाँ, कुछ लोग है बोल रहे, कुछ लोग नहीं है बोल रहे। क्यों नहीं है बोल रहे? क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना हवा। कुछ दिख रहा है क्या हवा? हाँ, वहां दिख रहा है हवा है क्या? वो तो पेड़ दिख रहा है, घास दिख रहा है, हवा कहां दिख रहा है? हवा का रंग क्या है ऊपर? क्या व्हाइट? नहीं, ये तो रूफ है। तो थोड़ा हवा है ना, वो हवा महसूस हो रहा है, दिख रहा है नहीं है ना। भगवान भी उसी तरह है, हवा की तरह। हवा किधर है? अंदर है या बाहर है? अंदर नहीं है क्या? ये पंखा से क्या आ रहा है फिर? हवा है ना। आप नाक में क्या सांस ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं क्या? तो हवा बाहर का हवा ले रहे हैं या अंदर का हवा? मतलब हवा अंदर भी है ना, हवा अंदर भी है, बाहर भी है, मंदिर में है, मस्जिद में है, क्लासरूम में है, सब जगह है ना हवा। भगवान भी हवा की तरह है, सब जगह है भगवान, लेकिन दिखते नहीं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद भैया को भी पता चला, अरे मेरा भाई जो है ना वो साधारण लड़का नहीं है, वो भगवान है। क्योंकि जब भगवान का आरती कर रहे हैं वहां भगवान है। ऐसे स्वामी धीरे धीरे से सभी लोगों को दिखाते आए कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो ऐसा जब हो रहा था ना, एक दिन स्वामी के पिताजी को गुस्सा आ गया, क्योंकि स्वामी अजीब अजीब चीज कर रहे हैं। बहुत लोग आके उनका नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और जैसे मैंने कहा कुछ लोग इनको जलाने की कोशिश करते हैं, इनको जहर डाल के वड़ा खिलाने का कोशिश करते हैं। तो पिताजी पागल हो गए कि क्या चल रहा है यार मेरा बेटा के साथ। उन्हें लगा कि उनके बेटे पर भूत सवार है। जानते हैं भूत सवार मतलब? भूत जानते हैं क्या आप? भूत होता है क्या? नो, नहीं होता है, लेकिन लोगों को ऐसा ही लगता है कि भूत सवार हो गया। भूत जैसा कुछ है ही नहीं, जब भगवान है बस। जब भगवान है तो भूत कहां से आएगा? भूत क्या है? ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए बनाया गया चीज है भूत, ठीक है, भूत नहीं होता है। लेकिन पिछले जमाने में लोग मानते थे कि भूत है करके। तो पिताजी को लगा कोई भूत पकड़ लिया है, तो जाके क्या किए उनके पिताजी ने, एक लकड़ी लिया और गए और बोले, ए तू कौन है? स्वामी से ऐसे चिल्ला के पूछ रहे, तू कौन है? तू भूत है या पागल है? तू भगवान है या प्रेत है? तू कौन है यार? ऐसे पूछे, क्योंकि उन्हें लगा अपने बेटे से नहीं, वो भूत से बात कर रहे है। समझ गया ना, जब उस पे भूत सवार है तो वो अपने बेटे से नहीं, वो भूत के साथ बात कर रहे, सोच रहे पिताजी, और पूछे, तू कौन है? तू भगवान है या भूत है? तू प्रेत है या पागल है? तू क्या कर रहा है? तू कौन है? स्वामी ने क्या कहा? स्वामी ने कहा, मैं साई बाबा हूं। इसके हाथ से लकड़ी गिर गया। साई बाबा कौन है? फिर स्वामी ने कहा, तुम्हारे परिवार में बहुत भक्त लोग थे, उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से कि हमारे परिवार में जन्म लो, इसलिए मैं जन्म लिया हूं। अब पिताजी दंग रह गए। अब सोचो, हाँ, छोटा सा लड़का
उसको जाके पिताजी बोल रहे तू कौन है, और वे बोल रहे मैं साईं बाबा हूं। कैसा होगा? हाँ, क्योंकि वे भगवान है इसलिए वैसे बोल सकता है। हाँ, क्या तुम बोल सकते हो? तुम्हारे पिताजी आके तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तुम क्या बोलेगी? तुम कौन हो, क्या है नाम तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे कोई तो नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ, श्रिया, बर्थडे गर्ल है ना, रिया, ध्रिया, ध्रिया, ठीक है ध्रिया। अगर ध्रिया का पिताजी आके बोलते हैं ए तुम कौन हो, तो ध्रिया बोलेगी ध्रिया, फिर बोलेंगे श्रिया नहीं ध्रिया, त्रिया नहीं ध्रिया, है वैसा ही होगा। लेकिन जब स्वामी के पिताजी आके पूछे तुम कौन हो, ने कहा मैं साईं बाबा हूं, बस, तो पिताजी को लगा ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो पिताजी ने कहा कुछ तो प्रूफ दिखाओ, कैसे बोल सकते हो कि तुम साईं बाबा हो, हम कैसे मान ले कि तुम साईं बाबा हो? तब स्वामी ने क्या किया, कुछ फूल लिए, जैस्मिन के फूल। जैस्मिन को क्या बोलते हैं? जैस्मिन, जैस्मिन जानते हैं? हाँ, एक तरह का फूल है, सफेद फूल। स्वामी लिए ये सफेद फूल और स्वामी ने ऐसा फेंक दिया हवा में। तुम अगर फूल को ऐसे हवा में फेंक दोगे तो क्या होगा, सब फूल नीचे गिर जाएंगे ना। ये फूल भी नीचे गिरे, लेकिन जब नीचे गिरे ना, रंगोली की तरह एक बन गए थे और लिखा हुआ था मैं साईं बाबा हूं करके, समझ गए? सोचो कि फूल स्वामी ऐसे फेंकते हैं, वो फूल नीचे रंगोली के रूप में गिरता है और लिखा हुआ है मैं साईं बाबा हूं, तो सभी लोग को ऐसा घबरा गए, मतलब सभी लोग को लगा अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साईं बाबा है। तब सभी लोग आने लगे स्वामी के पास, पूजा करने लगे। स्वामी ने कहा कि हर गुरुवार को, गुरुवार मतलब थर्सडे, हर थर्सडे को स्पेशल भजन करो। कल थर्सडे है ना, कल हम सभी लोग स्पेशल भजन करेंगे, क्योंकि स्वामी को बहुत अच्छा लगता है गुरुवार को भजन करना। तो कल सुबह हम लोग सब करने के लिए तैयार है? मैं आपके प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल हम लोग सब मिलके यहाँ थोड़ा भजन करेंगे करके, क्योंकि कल गुरुवार है, ठीक है? और उस गुरुवार को स्वामी ने क्या भजन किया जानते हैं? मानस भज रे गुरु चरणम दुष्कर भव सागर करणम, गुरु महाराज गुरु जय जय, साई नाथ सद्गुरु जय जय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः, अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा अरुण शिवो, ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव, ओम नमो बाबा मानस भजरे गुरुचरणं, दुस्तर भव सागर तरणम। तब ना सब भक्त, सभी लोग आनंद से भर गए और उन्होंने जोर से कहा जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की, थैंक यू, जय साई राम।